करने की। अच्छा काम करने, अच्छा परफॉर्म करने का अगर आपके में वो बना रहता है ना, तो आप कहीं ना कहीं अच्छा मतलब धीरे 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 करके अच्छा कर ही ले जाते हो। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। वो भी सबसे पहले हम 13 ग्रुप के एलिमेंट के जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके की प्रॉपर्टीज हमको इनमें देखने को मिल सकती है। जैसे पहले ही बात अगर हम बोले तो ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, कैसी कैसी ऑक्सीडेशन नंबर हमको देखने को मिलेगी और किस तरीके का इसमें बॉन्ड हमें देखने को मिल सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर एंड बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो क्या हमें देखने को मिल सकता है। बोरॉन की बात करी, एल्युमिनियम की बात करी, तो ये +3 शो कर रहे थे, और नीचे आ गए गैलियम, इंडियम और थैलियम पे आ गए, तो ये +3 और +1 दोनों ही शो कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब ये जो लोअर एलिमेंट होते हैं, नीचे की तरफ जो एलिमेंट होते हैं, लोअर या आप कह सकते हो हैवियर एलिमेंट, जिनका वेट ज्यादा है, इनमें टेंडेंसी होती है या इनमें स्टेबल जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो ज्यादा होता है। आपका लेस वाला, लेस ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे अगर हम बात करें कि टीएल जो कंपाउंड बनाता है वो मेजर वे में +1 वाले बनाता है। टीएल जो कंपाउंड बनाएगा वो कैसे बनाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटीज के केस में +1 वाले की ज्यादा होती है, तो ये इस तरीके के कंपाउंड शो करता है। जैसे अगर हम बात करें तो टीएल बना सकता है टीएलसीएल, टीएल बना सकता है टीएल2ओ, इन सब में टीएल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसमें भी टीएल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। एक कंपाउंड है टीएलसीएलओ4, इसको बोलते हैं हम लोग थैलस परक्लोरेट, TlClO4। ये CLO4- जो होता है ये परक्लोरेट आयन होता है। इसके साथ Tl अटैच हो गया, -1 इसका चार्ज है, +1 इसका चार्ज है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया थैलस परक्लोरेट। इस तरीके के कंपाउंड ये फॉर्म करता है थैलियम। अब अगर हम बात करें कि भाई अगर ये एलिमेंट हैं, इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, तो इनके जो कंपाउंड होंगे वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। जैसे इंडियम की बात करो, तो इंडियम का मान लो हैलाइड है हमारे पास, तो इंडियम का हैलाइड जो है इसमें अगर हम देखें तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। गैलियम का हैलाइड जो है इसमें यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये जो हैलाइड होते हैं ये क्या करते हैं, इनमें टेंडेंसी होती है कि ये +3 वाला बना लें, +3 के कंपाउंड बना लें। कैसे, एक रिएक्शन होता है जो हम लोगों ने रेडॉक्स में पढ़ा था, डिसप्रोपोर्शनेशन, सुना था सबने क्या होता है। मैम इधर डिसप्रोपोर्शन, पॉजिटिव और उधर नेगेटिव, मतलब कि उधर बढ़ रही हो ऑक्सीडेशन नंबर और इधर कम हो रहा हो। हाँ, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और एक ही एलिमेंट का, उसी एलिमेंट का क्या हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो। सेम स्पीसीज का, सेम स्पीसीज गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, साथ साथ में एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो रही है, रिड्यूस भी हो रही है। तो ये इंडियम के हैलाइड को अगर हम देखें तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, ये इंडियम, इंडियम +3 और हैलाइड अलग कर देता है, अगर 3 मोल्स हम ले लें। यही पैटर्न, सेम पैटर्न दिखाता है गैलियम भी, गैलियम +Ga+3 +3x- ये बन जाता है।
तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो दिस प्रोपोर्शनेशन के थ्रू हुआ क्या, यहाँ +1 ऑक्सीडेशन नंबर था, ये सॉलिड बन जाता है तो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, ये आयन बनता है तो +3 ऑक्सीडेशन, तो यहाँ +1 से 0 डिक्रीज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर में, तो इसका मतलब रिडक्शन है। और यहाँ पे देखो अगर, तो +1 से +3 तो इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन, तो इंडियम का ही रिडक्शन, इंडियम का ही ऑक्सीडेशन, ऐसा ही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी दिखाई देता है। तो इंडियम और गैलियम इस तरीके के रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन के थ्रू, इनका +1 वाला जो आयन होता है वो +3 में कन्वर्ट होता है, 0 में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही अगर हम थैलियम की बात करें तो थैलियम जो है वो +3 अगर इसका है कहीं पर भी, तो ये +3 जो होता है इसमें टेंडेंसी होती है कि ये दो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अगर इसे मिल जाते हैं किसी स्पीसीज से, किसी सॉल्यूशन से, तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Tl+1 बना देता है। अगर यहाँ पे देखो कि भाई Tl का अगर कोई सॉल्ट था उसमें +3 ऑक्सीडेशन नंबर था, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेन करने का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं क्या? जो स्पीसीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी उसका क्या होगा, रिडक्शन। इसका मतलब Tl+3 का हो रहा है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये बात सबको क्लियर है? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर थैलियम का +3 सॉल्ट है तो वो कैसे काम कर सकता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि उसमें टेंडेंसी होगी, वो जल्दी से +1 बनाना चाहेगा, और +1 बनाने के लिए उसको +3 से अगर +1 बनाना है तो दो इलेक्ट्रॉन उसको गेन करने पड़ेंगे। क्लियर है बात? बात करें हम रिएक्टिविटी की, कि रिएक्टिविटी में किस तरीके के बॉन्ड ये बनाएंगे, तो देखा क्या गया, ऐसा देखा गया कि इनमें अगर देखो तो आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन फैमिली में, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से सपोज निकाल देता है तो ये B+3 बना सकता है, और ये क्या बना सकता है, Al+3 बना सकता है, ऐसा बन सकता है, देख पा रहे हैं? पर देखा ये गया, क्या देखा गया, फैक्ट क्या था, फैक्ट ये देखा गया कि भाई तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तीनों इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब क्या है कि ΔHI आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3, इन तीनों को यूज कर रहे हो आप। तो देखा गया कि इसकी जो तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना बोरॉन की, इनका एडिशन बहुत हाई है, मतलब बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी आपको अगर +3 ऑक्सीडेशन नंबर इसको इसको शो करवाना है, तो इसको बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, और साइज इस आयन का छोटा होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा देनी है, तीनों इलेक्ट्रॉन निकालो, अगर ये +3 शो करे तो तीनों निकालेगा, तीनों निकालने के लिए एनर्जी, तीनों का टोटल देखा गया बहुत हाई अमाउंट था, तो ऐसा देखा गया कि इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो क्या होती है, कि ये ज्यादातर बोरॉन जो होता है ना ये ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। क्योंकि आयनिक बनाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, और ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत हाई एनर्जी लगती है।
प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लगती है, इसलिए ये प्रोसेस जल्दी से होगा नहीं और ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। आयनिक बॉन्ड टेंडेंसी इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर होती है बात सबको? कौन सी टेंडेंसी है इसमें? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। अब नीचे वालों में आते हैं, नीचे वालों को देखते हैं। नीचे वालों को अगर देखा जाए तो नीचे वालों में हम देखते हैं कि एल्युमिनियम को अगर देख लो, नीचे और चले जाओ, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन लोगों को अगर देखो, तो एल्युमिनियम को अगर देखो तो एल्युमिनियम में दोनों तरीके की देखी जाएगी, मतलब +3 भी बनाएगा और आपका कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएगा। और आयनिक बॉन्ड भी बनाएगा, लेकिन इसमें भी वही चीज है कि इसमें भी ΔH(I1+ΔH(I2+ΔH(I3) ये जो है बहुत हाई है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ये ज्यादा हाई होगी। और आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। क्लियर होती है बात? देखो केमिस्ट्री में जितना भी खेल है सब इलेक्ट्रॉन का खेल है, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है उधर जाता है, सारे कार्यक्रम होते हैं केमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रॉन जो का जो आना जाना होता है, जैसे हमको कहीं जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ता है ना, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी अगर कहीं आना है जाना है, किसी से बाहर जाना है, किसी में इन होना है, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एनर्जी के फॉर्म में लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि कोवेलेंट बॉन्डिंग फेवर फेवर क्यों करती है, क्या रीजन है। इसे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्या इसका रीजन है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है इसमें प्रेफर कर होती है 13 ग्रुप वाले में। पहली बात क्या होता है कि अगर बोरॉन को देखो तो स्मॉल साइज है, और अगर आप +3 शो करवाते हो, आयनिक बॉन्ड बनाते हो, तो बहुत हाई चार्ज है ये। छोटा सा साइज और चार्ज बहुत हाई, तो ये एकोमोडेट नहीं कर पाएगा बोरॉन। तो पहला रीजन कोवेलेंट बॉन्डिंग का ये है। दूसरा रीजन अगर हम देखें तो इधर से फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, और यहां पे आता है आपका 13 ग्रुप बोले, तो इसमें आता है बोरॉन। यहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई हो जाती है, इधर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है, यहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो थी। ठीक है, और जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं उनकी जो स्पेशल कंडीशन होती है, आयनिक बॉन्ड की जो स्पेशल कंडीशन होती है, वो ज्यादातर आयनिक बॉन्ड उसी सिचुएशन में बनते हैं जहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हाई हो। ई एंड डी, इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस, जहां पे भी हाई आपको दिखेगा, मतलब अच्छा डिफरेंस होगा, वहां पे आयनिक बॉन्ड की टेंडेंसी होगी। और अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस लो होता जाएगा, कम होता जाएगा दो एलिमेंट के बीच में, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्स है और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन को पुल करने की पावर, तो इनके बीच में अगर एक्स वाई का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हाई है, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर ए और बी हैं और इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत लो है, डिफरेंस अगर बहुत लो होता है तो चांसेस होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। ठीक है, जैसे मान लो हमने बोला कि
अगर बात की जाए कि देखते हैं हम लोग सोडियम है, ठीक है, अब ये फ्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है। तो इसकी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इसकी बहुत कम है। इसकी मान लो लेफ्ट में, अगर हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं ना, तो नंबर लाइन में कैसे होता है, मैथ्स में हम नंबर लाइन कैसे पढ़ते हैं, बीच में जीरो होता है ना, ऐसा होता है ना, और इधर पॉजिटिव नंबर होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, अच्छा ऐसा ही पढ़ाया जाता है ना छोटे बच्चों को, इधर जा रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है, इधर जा रहे हैं तो निगेटिव में आता जा रहा है, ऐसा कुछ होगा, तो इधर वैल्यू छोटी होती जा रही है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी ऐसा ही फंडा है, प्लस माइनस नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऐसा फंडा है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट जाओगे तो कम होगी, इधर जाओगे तो बढ़ती जाएगी। तो अगर लेफ्ट राइट में आप जाते हो तो सोडियम को देखो तो फर्स्ट ग्रुप में है, फ्लोरीन को देखो तो इधर 17 ग्रुप में है। अब इनको देखो अगर पीरियोडिक टेबल में, तो एक तो बिल्कुल लेफ्ट में और एक बिल्कुल इधर राइट में, इसके बाद तो 18 ही ग्रुप है ना, एक ही ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इधर वालों की कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, मान लो यहाँ -6 पे आ गए, और 17 ग्रुप में ये जो होता है इसका +4 पे होता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पे अगर देखो तो डिफरेंस बढ़ गया ना, अगर इनका डिफरेंस निकालो तो कितना आएगा, ज्यादा डिफरेंस आएगा, 10 यूनिट का डिफरेंस आएगा भाई, ये -6 ये +4। तो जैसे जैसे इस तरीके के एलिमेंट हमें मिलते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होता है, तो वहां आयनिक के चांसेस होते हैं, यहाँ पे आयनिक का चांस होगा। अब जैसे जैसे डिफरेंस कम होगा, जैसे यहाँ पे आ गए, अब 13 पे आ गए हम, यहाँ तो, यहाँ तो बीच में आ गए, अब इधर और इसके बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है जितना इधर और इधर, ये डिफरेंस कम हो गया। तो 13 ग्रुप में बोरॉन है, 17 ग्रुप में फ्लोरीन है, एक एग्जाम्पल लिया हमने, तो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो ईएनडी बहुत हाई होगा, डिफरेंस बहुत लो होगा, सॉरी ईएनडी मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, और लो होगा तो कोवेलेंट के चांसेस है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा तो यहाँ पे किसके चांसेस होंगे, आयनिक। इतनी बात क्लियर हुई? इसीलिए बोला जाता है कि बॉन्डिंग वाला चैप्टर क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग हर जगह आपके काम में आएगी। तो ये आपका हो गया। दूसरी चीज आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का एडिशन बहुत ज्यादा है तो इसलिए ये शो करेगा। अब अगर हम कुछ कंपाउंड को देखें, जैसे BF3, ठीक है, AlCl3, GaCl3, InCl3, TlCl, इन सबको अगर देखें तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी। अगर हम BF3 को देखते हैं तो BF3 होता है कोवेलेंट, AlCl3 क्या होना चाहिए, AlCl3 दोनों कोवेलेंट, शो करेंगे। कोवेलेंट होता है, ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें AlF3 की तो AlF3 आयनिक होता है। अगर हम बात करें Al2SO4 होल थ्राइस की तो ये आयनिक होता है। यहाँ पे फ्लोरीन आ गया तो डिफरेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा तो आयनिक बना लेता है, लेकिन Al और Cl में Cl का साइज भी बड़ा हो जाता है, Cl माइनस का, और साइज बड़ा होने की वजह से और आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस भी इतना ज्यादा नहीं होने की वजह से ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। BF3 आपका कोवेलेंट शो करता है। GaCl3, InCl3, अगर इनको हम देखें तो ये आपके होते हैं कोवेलेंट, लेकिन जो नीचे वाला है इसको अगर हम देखेंगे तो ये आयनिक शो करेगा।
सॉरी सॉरी ए। अच्छा ये आयनिक हुआ क्यों नीचे वाला? नीचे वाले में अगर देखो तो टीएल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, टीएल प्लस का, सीएल माइनस का साइज देखो, और ये जो है इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर हाई हो जाएगा, सबसे नीचे आ रहा है ना, तो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट मिलते हैं तो आयनिक बनाने की टेंडेंसी। अब देखो इक्विलिब्रियम में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, लुईस एसिड बताया था क्या, यस मैम। एंड लुईस बेस, क्या होते थे ये? मैम जो डोनर होता था इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती थी वो तो एसिड होती थी, और जो एक्सेप्टर होता था वो बेस होता था। लोन दो पेयर का एक्सेप्टर, लोन पेयर के एक्सेप्टर। लोन पेयर, हाँ लोन पेयर डोनर आपका या एक्सेप्टर एसिड होगा। मैम डोनेट करेगा। एसिड डोनेट करेगा यस पक्का, एक बार सोच लो। मैम, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है ना, ये तो डोनेट करेगी, बेस एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर की बात हो रही है, देखो लोन पेयर जो डोनर होते हैं वो होते हैं बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो होते हैं एसिड। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था NH3, इसके पास लोन पेयर होता है तो ये लुईस बेस होगा, ठीक है, और BF3 बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल, तो इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो ये कैसे काम करता है, लुईस एसिड की तरह इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्लियर है? अब देखो जैसे हम बात करें AlCl3, AlBr3 और AlI3, तो ये सारे के सारे होते हैं कोवेलेंट, बड़े बड़े आयन हो गए, और इनमें आपका कोवेलेंट टेंडेंसी ज्यादा है। अच्छा देखो अब BF3 जो है ये बोरॉन फैमिली का हैलाइड है और ये आपका कोवेलेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो लुईस एसिड कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब अगर इसे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो ऐसे जो होते हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल। ठीक है, और ऐसे जो होते हैं इनको बोलते हैं कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना, डिफिशियंट हो गए तो फॉलो नहीं कर रहे। अब देखो जैसे मान लो इसमें क्या टेंडेंसी होगी, अगर छोटा आयन है और इसको हाइड्रोलाइज कर दो, तो हाइड्रोलाइज कैसे होगा इसको हम देखते हैं थोड़ा सा इसके प्रोसेस को, जैसे मान लो हमारे पास ये मेटल है, ठीक है, और ये हमारे पास इसका क्लोराइड है, MCl3 है। अगर हम लोग इसकी वाटर से रिएक्शन करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, तो हम क्या देखते हैं कि इस हैलाइड को जब हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो ये MCl3 वाला हैलाइड यहाँ पे MOH होल थ्राइस बना लेता है, ठीक है, Cl रिप्लेस हो जाते हैं और OH यहाँ पे आकर के अटैच हो जाता है। अभी भी अगर हम देखें MOH को तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। अभी भी ये जो M है ये क्योंकि 13 ग्रुप का एलिमेंट है, अगर हम इसको बोरॉन माने
तो अगर ये बोरॉन है तो 13 ग्रुप का एलिमेंट है, तो 13 ग्रुप के एलिमेंट का मतलब कि यहाँ पे 1 2 3, इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन, जैसे BF3 में थे। बॉन्डिंग तो खत्म, अलग हुई नहीं, OH आ गया, Cl3 की जगह OH आ गया, तो बॉन्डिंग तो उसी तरीके की है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। जब पानी में डिजोल्व किया जाता है, तो पानी में डिजोल्व होने पे क्या करता है ये अटैच हो जाता है H2O मॉलिक्यूल से, और H2O मॉलिक्यूल से अटैच हो करके ये क्या बनाता है, अगर हम OH- की बात करें तो एक H2O में भाई H+ और OH- दो स्पीसीज होती हैं, तो ये OH- एक और एडिशनल OH- से ये अटैच होता है, और इसके ये जो लोन पेयर होते हैं OH के ऊपर, इन लोन पेयर को यूज़ करता हुआ एक OH- और इससे अटैच हो जाता है, और ये जो स्पीसीज बनती है ये बन जाती है। पहले तीन थे ना, अभी कितने अटैच हो जाते हैं OH? चार अटैच हो जाते हैं, और पूरी स्पीसीज पे एक माइनस चार्ज होता है। क्लियर होती है बात? अब इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना दिखाते हुए हमने सीधे सीधे कोवेलेंट बॉन्ड दिखा दिया, क्योंकि आपको बताया मॉडर्न में कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेट इज इक्विवेलेंट टू कोवेलेंट। ठीक, इसका मतलब ये जो MOH होल आपका MCl3 था, इसको जब हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोलिसिस हुई, तो इसने क्या बनाया, MOH होल थ्राइस पहले बनाया, फिर इसके बाद इसने MOH होल 4 माइनस बनाया, ये आयन बनाया। ये जो आयन होता है, इसके अगर हम साइज की बात करें तो इसमें M जो होती है वो SP3 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है, और ये जो होता है ये टेट्राहेड्रल स्पीसीज होता है। टेट्राहेड्रल स्पीसीज का मतलब समझ रहे हैं? कैसे अटैच होंगे ये, ऐसे ही होंगे ना, इस तरीके से, क्या कहते हैं? ऐसी स्पीसीज होती है, ठीक है। ये बोरॉन के केस में देखने को मिलता है हमको। एल्यूमिनियम के केस में अगर देखें भाई, बोरॉन के केस में ये बनता है BOH होल 4 माइनस। अगर एल्यूमिनियम के केस में देखें तो एल्यूमिनियम में ज्यादा और अटैचमेंट होता है। एल्यूमिनियम को अगर हम देखें, एल्यूमिनियम के हैलाइड को ले लें, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दें, तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम और ज्यादा बड़ा बना लेता है आयन। ये कैसे बनाता है? ये बनाता है AlH2O होल 6 प्लस 3। ये AlH2O होल 6 प्लस 3 कैसे होगा और क्या होगा, इसका पहले तो शेप याद रखो, ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप समझते हैं कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल सब लोग समझते हैं? बॉन्डिंग में बताया आपको, चार बॉन्ड आपके एक प्लेन में हो गए ऐसे, ये मान लो एक प्लेन है ना, और दो बॉन्ड ऊपर हो गए, एक ऊपर पिरामिड बन जाएगा एक नीचे, तो यही तो शेप ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। इसका मतलब एल्यूमिनियम यहां पे होगा, H2O आपके क्या होंगे, 6 H2O यहां पे अटैच हो जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक इस प्लेन में, और सबके ऊपर कितना चार्ज है, प्लस। क्लियर है? ठीक, अब आप बोलोगे कि ये बोरॉन ने क्यों नहीं बनाया ऐसा,
इसने क्यों चार से ही अटैचमेंट किया, इसने क्यों नहीं अटैचमेंट किया आपका सिक्स से? ठीक है, ये जो नंबर है इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो फोर और ये जो नंबर है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका भी रीजन समझ लेते हैं। कोमल इतना लेट 4 बजे क्यों आ रहा है? तो देखो इसका रीजन क्या है। रीजन ऑफ फॉर्मिंग SP3 हाइब्रिडाइज स्पीसीज नॉट SP3D टू स्पीसीज एज इन एल्यूमिनियम। ये कहाँ पे बन रही है SP3? बोरॉन। देखो क्या डिफरेंस है, बोरॉन का अगर हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p1 यही तो होता है। एल्युमिनियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें ना तो यहां पे हमारे पास डी भी होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसमें लेकिन डी होता है। 2d का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 2d नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर इसे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने का मतलब जब भी बॉन्डिंग होती है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले हो जाते हैं उसमें, और सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के बाद वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब वो अटैच होता है किसी से भी। अगर यहां पे देखो तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, मतलब जब बॉन्ड नहीं बना हुआ, ये भी इसकी ग्राउंड स्टेट है। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ES में जाएगा, तो होगा क्या, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके 2p में चला जाएगा। किस तरीके से? अभी p में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, अब क्या होगा, p का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, s का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका इधर s सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे अगर हम देखें तो 1, 2, 3 यहां पे आपके ऑक्यूपाई करने के लिए, और यहां पे अगर देखो तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि ये ऑर्बिटल पूरा फ्री है। कैसे? देखो ध्यान से देखना, जब BOH होल 4 -3 बन रहा है और इसको हम बोल रहे हैं कि ये SP3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, इसका मतलब 4 SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे इसमें, यही तो होगा। इसका मतलब 1s और 3p मिक्स होंगे, यही तो मिक्सिंग होती है SP3 हाइब्रिडाइजेशन में, यही होती है ना। तो होगा क्या, ये बोरॉन था 1s2, 2s2, 2p1। अब इसका ये जो एस है और इसके जो पी के हैं, ये 2s है, ये 2p है। यहां का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, एक यहां पे सिंगल रह जाएगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ऑर्बिटल्स होंगे, ये चारों मिक्स होंगे, एक एस है, 3 आपके p के हैं, तो ये sp3 बनाएंगे नए ऑर्बिटल। इन sp3 ऑर्बिटल्स को अगर देखो तो ये कैसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हम लोग कैसे देखते हैं, ऐसे तो देखते हैं, ऐसे ही होता है ना। ऐसे बल लगाते हैं हम टेट्राहेड्रल। तो अगर इसको देखो, अगर ये बोरॉन का है तो बोरॉन में हम क्या बोलेंगे कि भाई एक जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कर दो सिंगल, एक जो है उसमें एक सिंगल कर दो, एक में एक सिंगल कर दो, और एक तो खाली रहेगा ना, ये वाला देख पा रहे हो,
यस और नो। हाँ अब यहां से एक OH आएगा, इससे अटैच हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से, इधर से एक OH आएगा कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, इधर से एक OH आएगा कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, इधर से एक OH आएगा, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अपने लोन पेयर को देगा, मतलब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को देगा। ये OH तो शेयरिंग कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे अपने, शेयरिंग करेंगे तभी तो दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड बनेगा। ये वाला OH जो होगा ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को देगा। तो यहाँ पे 2D नहीं है, 2D एब्सेंट है बोरॉन के केस में, इसलिए इससे ज़्यादा ये ऑर्बिटल मतलब मिक्स नहीं हो सकते, यहाँ पे मिक्सिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर एल्युमिनियम को देखो तो एल्युमिनियम में पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एल्युमिनियम का है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 और 3d0, ये है ना। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये 3s में दो इलेक्ट्रॉन, 3p में आपका एक इलेक्ट्रॉन और 3d ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेगा ये, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया, अब क्या बन गया, यहाँ पे अगर देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, स्टेट पे थोड़ी होगा हाँ ये, ग्राउंड स्टेट पे थोड़ी ये होगा। एक्साइटेड स्टेट हो गई ना, बॉन्डिंग होगी तो एक्साइटेड स्टेट तो आएगी। तो मैम बोरॉन की आपने तो ग्राउंड स्टेट डिस्कस करी थी। हाँ नहीं, ग्राउंड स्टेट कहाँ डिस्कस की, अब ये तो एक्साइटेड दिखा दिया ना हमने, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ले आए, देख रहे हो, ग्राउंड कहाँ डिस्कस किया, देखो 1s2, 2s2, 2p1 था, ये ग्राउंड था। अब एक्साइटेड में क्या किया, यहां का एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्लियर। अब एल्यूमिनियम के केस में क्या हुआ, देखो ये एक, ये पी और ये डी, कितने यूज होते हैं, एक एस, ये 3p और ये डी आ जाते हैं, ये सारे के सारे यूज हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 यूज होते हैं, एक एस का, 3p के और 2d के यूज हो जाते हैं, मिक्सिंग होती है, 6 न्यू ऑर्बिटल बनते हैं जिनको नाम हम क्या देते हैं, sp3d2, ठीक है। अब क्या होगा, अब H2O का एक यहां से बॉन्डिंग बनेगी, एक यहां पे बॉन्डिंग बनेगी, एक एक इलेक्ट्रॉन से, और यहां पे आपके दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो H2O जब अटैच होगा तो यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन, क्लियर होती है बात। यस और नो, टाइम बताइए। लुइस एसिड कैरेक्टर की बात करते हैं, अगर इसको हम देखते हैं तो लुइस एसिड कैरेक्टर में चेंज कैसे आता है, BX3 सबसे ज्यादा, AlX3 उससे कम, फिर GAX3 उससे भी कम, IndiumX3 उससे भी कम होता है, ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचो जरा और बताओ, विधि बताएंगी आप, विधि क्लास में है, लुईस एसिड कैरेक्टर में ऐसा चेंज क्यों आया, डिक्रीज क्यों हो रहा,
एंड बिकॉज हाईएस्ट कोवेलेंट बनाने की टेंडेंसी बोरॉन की होती है, स्मॉल साइज साइज छोटा है, इंडियम का साइज बड़ा हो गया तो क्या डिफरेंस स्मॉल आएगा? साइज की वजह से। बोरॉन की लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? देखो इसको ऐसे समझते हैं, बोरॉन से अगर हम इधर जा रहे हैं, नीचे ही आ रहे हैं ना, ये टॉप टू बॉटम ही तो है। तो बोरॉन से इंडियम तक आने में हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है ना? इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज करता है। भाई ये दोनों अपोजिट चलते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी तो होती है भाई। लुईस एसिड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को एक्सेप्ट ही तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। यही तो कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट ही कर रहा है ना। लुईस एसिड टेंडेंसी यही होती है। तो बोरॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बड़ी हाई है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हाई है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, पुल करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब बोरॉन का जो हैलाइड होगा ये आपका इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा इन कंपैरिजन टू इंडियम। इंडियम का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस काफ़ी, जबकि न्यूक्लियर चार्ज होगा अच्छा खासा, एटॉमिक नंबर बड़ा होगा, लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस बहुत डिस्टेंस पे हो जाएगा ना। तो कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उतना पुल नहीं लगा पाएगा जितना कि बोरॉन लगाएगा। क्लियर होती है बात? बोरॉन को अगर देखें तो साइज बहुत छोटा है, इंडियम को अगर इधर देखो तो साइज बहुत बड़ा है। तो ये न्यूक्लियस फोर्स लगाता है आउटर इलेक्ट्रॉन पे, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ बाहर से हमें इलेक्ट्रॉन गेन करना है। लुईस एसिड कैरेक्टर का मतलब ही यही है कि लोन पेयर गेनिंग टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तो अगर बोरॉन की बात करो तो बोरॉन में न्यूक्लियस और ये शेल पास है भाई, आउटर इलेक्ट्रॉन को आना है तो न्यूक्लियस फोर्स ज्यादा लगाएगा। यहाँ पे इंडियम में अगर देखो तो ये न्यूक्लियस है मान लो, तो शेल्स जो हैं आउटर शेल बहुत दूर है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, इंट्रोड्यूस होगा, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लुईस एसिड कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे लुईस एसिड कैरेक्टर कम है। क्लियर? इसका रीजन आप दे ही लेंगे कि ये फोर वाले क्यों बनाता है, ये सिक्स वाले क्यों बनाता है, क्योंकि इसमें डी और वाइटल प्रेजेंट है और बोरॉन वाले में डी और वाइटल एब्सेंट है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग ही आती है बहुत ज्यादा कि ये आयनिक है तो क्यों है, ये कोवेलेंट है तो क्यों है, ये इससे ज्यादा ये शो करता है तो क्यों शो करता है। रीजन में चार आंसर बना करके आपको दे देंगे या चार स्टेटमेंट बना दिए, अब इनकरेक्ट बताओ करेक्ट बताओ, तो उसमें जब तक आपको पूरी डिटेलिंग नहीं पता होती है तब तक आप उसमें शॉर्ट आउट नहीं कर पाते। बहुत क्लोज क्लोज आंसर भी दे देते हैं कभी कभी, कभी तो बहुत क्लियर कट देते हैं,
एक दो क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ऑप्शन जो होते हैं बहुत क्लियर कट होते हैं, सीधे पता लगते हैं अच्छा ये तो रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन दो या तीन चार क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर लोगे, आप पता लगा लोगे ये दो गलत है ये दो सही है। अब इन दो सही में से सबसे ज्यादा सही कौन सा है उसको हमको मार्क करना है। तो ये थोड़ा सा दो में चूज करना है, जैसे क्या पढ़ते थे क्या देखते थे हम लोग, केबीसी आता था ना, उसमें क्या होता था वो एक जिसमें दो ऑप्शन उड़ा देते थे, क्या बोलते थे उसको, नहीं देखा आप लोगों ने केबीसी? 50-50। हाँ 50-50। तो 50-50 से भी बहुत सारे आंसर आ जाते हैं, लेकिन 50-50 में भी अब जो 52 ऑप्शंस बचे हुए उसमें भी अंदाजा लगाना पड़ता है, और फाइन डिटेलिंग्स अगर हमें नहीं याद होती है तो उसमें अंदाजा लगाना थोड़ा भारी पड़ जाता है। अब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, एयर से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, कुछ में टेंडेंसी होगी नाइट्राइड बनाने की, नाइट्राइड बनाने की जो टेंडेंसी होगी वो बोरॉन में और एल्युमिनियम में दो में देखी जाएगी, बाकी सब ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे बोरॉन की ऑक्सीजन से करा दो तो B2O3 बना लेता है, एल्युमिनियम की ऑक्सीजन से करा दो हीट कर दो तो Al2O3 बना लेता है। लेकिन अगर ये एयर की नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं ये, तो ये बनाता है BN, इसको बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड। नाइट्राइड आयन का फॉर्मूला बता सकते हैं आप लोग? एल्युमिनियम को अगर हम लोग ट्रीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो ये AlN बनाता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड। नाइट्राइड आयन का फॉर्मूला बता सकते हैं क्या हो सकता है? ठीक है, फिर इंडियम गैलियम थैलियम इन सबको अगर देखोगे तो ये नाइट्राइड नहीं बनाएंगे, ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्राइड देखो ये बोरॉन है, ये नाइट्रोजन है, ये एल्युमिनियम है, ये नाइट्रोजन है, अगर इसका आयन को बनाना है तो N-3 लिख सकते हैं नाइट्राइड भाई। Al को अगर +3 लिखोगे तो इसको N-3 लिखोगे ना, अगर फॉर्मूला ही है, क्या कहते हो? चलिए अब आगे की बात हम लोग कल करेंगे, कल तो आपका संडे है। मैम मंडे हाँ को।